Good evening, everyone, and welcome to the orientation session for taxation for December 2023 exam. Orientation में हम सारे के सारे classes का system समझेंगे इस paper को कैसे पढ़ना है वो समझेंगे यानी कि इस paper से एक तरह का introduction होगा कि मेरे साथ ये paper आपका कैसा जाएगा So सबसे पहली चीज before I get into the deeper of this paper and how the systems will work, seeing the exemption जो अभी announce हुई है there is

और अभी थोड़ी देर में एक वैकेंसी भी पोस्ट करूंगी विच आई रिसीव फ्रॉम सम वन ऑन लिंगड तो उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई तो आई जस्ट थॉट कि ठीक है मैं डाल देती हूँ आगे सो वो डालूंगी लेकिन अब बात करते हैं कि टैक्स का दिसंबर में आपको जो एग्जाम देना है उसको कैसे पढ़ना है जो भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे क्योंकि ये यूट्यूब पे जाएगी पहली चीज ध्यान ये रखना मार्च में कोशिश करना कि टैक्स में आप ना बैठो कोशिश करके दिसंबर में ही बैठो उसका रीजन बताती हो जो टैक्स का फाइनेंस एक्ट है जो आपके लिए एप्लीकेबल होता है वो जून से बदलता है एवरी ईयर जून अ न्यू फाइनेंस एक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर यू ऑल यानी कि जून में पहला एग्जाम होता है नए फाइनेंस एक्ट के साथ फिर सितंबर, दिसंबर और नेक्स्ट ईयर मार्च वो सेम फाइनेंस एक्ट चलता है अब आप अगर मार्च में एग्जाम देने बैठे और किसी कारण से पेपर क्लियर नहीं हुआ या फिर पेपर लॉन्च नहीं हुआ कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया या फिर बीमार हो गए वट तो मार्च से जून पे आने में आपको बुक्स वापस से परचेज करनी पड़ जाएंगी बिकॉज फाइनेंस एक्ट भले छोटा मोटा चेंज लाए लेकिन उससे आंसर्स पूरे बदल जाते हैं यानी कि पूरी की पूरी एग्जाम किट वापस सॉल्व करनी पड़ेगी विद द न्यू रूल्स तो ऐसा अपसाइड डाउन चेंज नहीं होता लेकिन अगर टेन परसेंट भी चेंज हुआ तो उस टेन परसेंट को अकोमोडेट करने की वजह से तुम्हें सब कुछ पढ़ना पड़ जाएगा इसलिए मार्च शुड नेवर बी अ प्रेफरेंस फॉर गिविंग टैक्स का पेपर इसलिए अभी तैयारी चालू करो दिसंबर में पहली बार बैठो अगर किसी कारण से नहीं क्लियर हुआ तो मार्च में तुम सेम फाइनेंस एक्ट के साथ बैठ जाओगे तो सबसे पहली नॉलेज आपको जो कैरी करनी है वो ये है कि आपका जून से नया फाइनेंस एक्ट लगता है सेप्टेंबर से नहीं बहुत बच्चे इस चीज पे कंफ्यूज होते हैं बाकी सारे पेपर्स का सिलेबस चेंज होता है सेप्टेंबर से सिर्फ टैक्स का चेंज होता है जून से So, वो गैप दिमाग में रखना दैट इज वाई आई नेवर रिकमेंड कि आप मार्च में टैक्स लो मार्च में टैक्स नहीं लेना है ना एग्जाम देना है फिर जून में देना अब आते इस ओरिएंटेशन सेशन पे स्टडिंग विद मी आपको क्या क्या करना है कैसे कैसे जाना है नो बिफोर वी गो अहेड सबसे पहले तो इनको बधाइयां दे देते हैं क्योंकि टैक्स के इतने लंबे सिलेबस में संस्कार के 75 मार्क्स आना विधि के 73 मार्क्स आना रश्मी रश्मीत के 70 मार्क्स आना ये कमाल की बात है हालांकि रिस्पेक्ट 50 नंबर वाला भी कमाल ही करता है लेकिन ये लोग वर्किंग भी थे और 50 पे अगर कमाल होता है तो सोचो 70 पे तो डबल धमाल होगा ना इसलिए जस्ट टू अपलॉड देम और इनमें से स्पेशली कुछ बच्चों के बारे में बोलूंगी एकता भयंकर नर्वस शी इज मैरिड शी इज दी मदर ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड उसके बावजूद और नौकरी तीसरी चीज इसके बावजूद उसने पेपर क्रैक किया विद सिक्स थ्री तो मार्जिन पे भी नहीं किया अच्छे खासे गैप से किया है सो माई स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशन इन सब ने ऐसा क्या किया जो तुम लोगों को करना है मोर और लेस मुझे इनके नाम भी याद है वो इसलिए क्योंकि ये या तो सारी प्रॉब्लम क्लासेस में हुआ करते थे या फिर इन्होंने टेस्ट बहुत डेडिकेटेडली दिए जैसे मुझे रश्मी का ध्यान है ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं पूछती थी इसको कॉन्सेप्चुअली चीजें समझ में आ जाती थी बट इसने सारे के सारे टेस्ट दिए थे तो ये बच्चे कभी भी टेस्ट मिस करने वाले बच्चे नहीं है एंड बेसिकली आई विल से बट वॉट शुड बी योर कंसिडरेशन इज टेस्ट ये टेस्ट होने बहुत जरूरी है अब आपको मुझसे पढ़ने में क्या क्या मिलने वाला है क्योंकि टैक्स का सिलेबस बहुत लंबा है इसकी प्रॉब्लम क्लासेस एट होंगी यानी कि हर वीकेंड ही मिलेंगे हम <laughs> हमारे पास दो महीने हैं अगर मैं ऑन एन एवरेज हर संडे पकड़ूं तो एक महीने में चार संडेज आ गए दैट मींस चार और चार आठ संडेज हमें मिलना होगा ये संडे में एग्जाम्पल बोल रही हूँ एवरी वीक वी आर गोइंग टू मीट मे बी दैट्स सैटरडे बट एवरी वीक क्योंकि सिलेबस इतना लंबा है कि आपको आठ में मुझसे चाहिएगा बाकी चीजें समझा देती हूं एक बार फॉर द न्यू पीपल हु आर सिटिंग हियर आप कितनी बार रिकॉर्डिंग्स देख टू पॉइंट फाइव टाइम्स बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैम टू पॉइंट फाइव टाइम्स क्या है मेरी अप्रोक्सिमेटली सिक्सटी आवर्स की टैक्स की क्लासेस है आप इसको देख सकते हो वन फिफ्टी आवर्स तक सो सिक्स वन ट्वेंटी और और थर्टी आवर्स मिलते हैं आपको क्योंकि हो सकता है आपको जल्दी समझ में आ जाए एक बार ही देख लो छोड़ दो कोई एक चैप्टर है जो लर्न नहीं हो रहा जिसके प्रोविजंस बार बार में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं उसको हो सकता है चार बार भी देखना पड़े तो देखो यानी चैप्टर वाइज आपके व्यूइंग रिस्ट्रिक्शंस नहीं अप्लाइड है ये व्यूइंग रेस्ट्रिक्शन टोटल कोर्स पे अप्लाइड है कि 60 आवर्स के कोर्स को 1 एंड 150 आवर्स देख लो यार उससे ज्यादा देख के अपना टाइम खराब मत करो टैक्स को पढ़ना कैसे है उसकी अप्रोच भी तुम्हें बताऊंगी क्योंकि इसको पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग होगा मेरे सेशंस जो होंगे वो आपको प्रोविजंस समझाएंगे अब तुम्हें सबसे पहले ही दस दिन के अंदर अंदर ही ये आने लग जाएगा ओ वो मेरे तो सब कॉन्सेप्ट मिक्सअप हो रहे हैं सारे प्रोविजन मिक्सअप हो रहे हैं ये बिल्कुल होगा ये सबके साथ होता है अब उसको डील कैसे करोगे जब मैं प्रोविजन स्क्रीन पे रन कर रही हूं जब बोल रही हूं समझा रही हूं आप उनको लिखते चलो मैंने ये ट्राई किया था इनके एक टॉपिक में सीजीटी के नाम से टॉपिक है उसमें ये ट्राई किया था और स्टूडेंट्स को वाकई बहुत फायदा हुआ था उससे क्योंकि जब मैंने लाइव बैच लिया था तो लाइव को तो वैसे भी सिक्सटी आवर्स में कंप्लीट करना बहुत भारी हो जाता है लेकिन तुम लोग ब्लेंडेड में हो मुझे रोको वहीं पे पॉज करो लिखो प्रोविजन को तो ब्लेंडेड का ये फायदा मैंने कई बच्चों के मुंह से ही सुना कि मैम हम आपको रोक देते हैं जब इच्छा होती है <laughs> लाइव में हम आपको रोक नहीं पाते क्योंकि तीन घंटे में दिमाग का धुआं निकलने लग जाता है यहां पे तुम चाहो तो मुझसे मेरी क्लासेस को दो बार दिन में दो बार देखो यू कैन टेक अ ब्रेक लाइव वाला बच्चा लगातार तीन घंटे बैठ के पागल सा हो जाता था तो तुम्हें ये मान के चलना है कि तुम्हें अगर जरूरत पड़े ब्रेक देना चाहिए टेक अ ब्रेक इन बिटवीन द क्लासेस देन स्टार्ट स्टडी प्रोविजन लिखोगे उतना ही अच्छा रहेगा टैक्स के पेपर में बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं मैम वर्किंग डे है प्रॉब्लम क्लास में कैसे आएंगे बेटा टैक्स ऐसा पेपर नहीं है जो आप वर्किंग डे पे नहीं पढ़ोगे अगर सैटरडे संडे पढ़ा और फिर नेक्स्ट सैटरडे संडे टैक्स की बुक खोली सब साफ मिलेगा सर्फ एक्सेल की सफाई दिखेगी अच्छी तरह से दिमाग में सब धुलावा मिलेगा तो टैक्स में ये नहीं करना टैक्स यू हैव टू स्टडी डेली आई एम नॉट हैव टू स्टडी फॉर फोर आवर्स आई एम ओनली गिव थर्टी मिनट्स रिवाइज द प्रोविजंस वॉच दी क्लासेस एटलीस्ट यू विलोविजन गेटिंग अप्लाइड कुछ तो पर, कुछ तो पढ़ोगे कुछ तो गाड़ी आगे सरकेगी सो रेगुलरिटी इज टैक्स ये वीकली एक हम लोग जब बहुत छोटे थे ना तुम तो उस टाइम दूर दूर तक पैदा भी नहीं हुए थे चित्रहार आया करता था पहले दूरदर्शन पर तुम लोगों ने सुना होगा वो वीक में एक दिन आता था तो ये चित्रहार स्टोरी नहीं चलानी हमें आजकल कई ओटीटी सीरीज में भी ऐसा होता है कि हर फ्राइडे अपलोड होता है उसका नया एपिसोड भाई साहब टैक्स में ये नहीं चलेगा आपको ओटीटी सीरीज एक साथ मनी हाइस्ट की तरह पूरी सीक्वेंस में लेनी पड़ेगी यू कैन नॉट टेक दिस पेपर विद गैप्स तो ये पहली चीज आपको ध्यान रखनी है दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि जब मैं पढ़ा रही हूं मुझे पॉज करो जो मैंने प्रोविजन समझाया है उसको एक बार अपने हाथ से लिख लो ग्रेजुअली तो धीरे 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 वो सब लर्न होते चले जाते हैं दुनिया को होते तुम्हें भी हो जाएंगे। लेकिन ये भी होगा कि मिक्सअप होगा सब कुछ ये भी दुनिया का नहीं है साइड तो इफेक्ट होता है लेकिन पेपर तो देना ही है और अपने आप को लाखों रुपए कमाने के लायक तो बनाना ही है तो ये तैयारी तुम्हें करनी है

वन फिफ्टी आवर्स नहीं मिलेंगे बचे हुए ही मिलेंगे <laughs> तो आईडियली इससे ऊपर कभी भी किसी ने एक्सीड नहीं करवाया नहीं जरूरत पड़ती इससे ज्यादा इतने में तो तुम मुझे देख देख के बोर हो जाओगे तो दिस इज फॉर टू क्वार्टर्स देन कम्स योर रेगुलर टेस्ट रूटीन टेस्ट जिनको मैं बोलती हूं यानी सेक्शन ए और बी के ये कितने है? ये पांच छ है मेरे को ध्यान नहीं आ रहा शायद छे है बट मेरा कमिटमेंट पांच का है लेकिन डले हुए छह है और अगर मुझे जरूरत दिखी तो सात भी डाल दूंगी अगर मुझे लगा कि एक बैच थोड़ा सा ढीला जा रहा है तो आई एम द बॉस कभी भी बढ़ा दूंगी तो ये मिनिमम कमिटमेंट है ज्यादा की सीलिंग नहीं है नेक्स्ट अब सेक्शन सी के टेस्ट भी आपको देने हैं इस टेस्ट में क्या होगा सिलेबस एरियाज मैंने बांट दिए उसमें आपको कुछ सेट ऑफ चैप्टर्स का सेक्शन सी का टेस्ट भी देना है सो दैट आई कैन सी कि आप उसको अप्लाई ठीक से कर रहे हो या फिर क्वेश्चन को विद इन टाइम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो प्रेजेंटेशन कैसा है एवरीथिंग सो दैट आई विल चेक थ्रू सेक्शन सी टेस्ट ये हम चेक करते हैं दिस डेफिनेटली आई विल चेक कंसिडरिंग कि मुझे चार पांच दिन लगेंगे चेक करने में प्लीज मुझे वो टाइम देना नेक्स्ट पे आते हैं मॉक टेस्ट पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी सिलेबस की किसी भी सिलेबस की किसी भी पेपर की मान के चलो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर यानी तीन घंटे का मॉक करना फायर फाइटर्स होते हैं ना उनको भी मॉक ड्रिल कराई जाती है लॉयर्स होते हैं ना उनके भी मूक कोर्ट्स होते हैं सो दैट दे कैन प्रैक्टिस कि वो जब रियल कोर्ट में जाएंगे तो कैसे अपने आप को प्रेजेंट करेंगे तो हम एग्जाम में अपने आप को कैसे प्रेजेंट करेंगे वो हम यहां पे देखेंगे तो मॉक्स होंगे अगेन और बी अपने आप चेक होके आ जाएगा नथिंग मोर नथिंग लेस इस पूरी स्लाइड में किसी को कोई कंफ्यूजन है रिगार्डिंग एनीथिंग विच वी आर गिविंग एनी कंफ्यूजन ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं. एल एम की शक्ल देख लेते हैं यानी हमारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से जिससे आपको क्लासेस मिलेंगी उसकी एक बार शक्ल देख लेते हैं कि क्लासेस वहां पे है कैसी, और साथ के साथ के एक क्वेश्चन भी आपको दिखा देती हूं मैं तुम लोगों को आज बोलती हूं कि भाई एल पे हमारी क्लासेस होंगी तुम क्लासेस ले लो और अगर मैंने सारी क्लासेस कवर नहीं कराई तो तुम क्या करोगे रोगे इधर-उधर मुझे टैग करके लिंक्डइन पे लिखोगे मैम ने मेरे साथ चीटिंग की तो उसका इलाज करती हूँ चीटर मैम को पहले ही पकड़ लेते हैं लेट्स सी कि क्या सारा का सारा सिलेबस एलएमएस पे मिलेगा क्या-क्या मिलेगा वो भी देख लेते हैं लेकिन क्या मिलेगा उससे पहले अपना-अपना फोन निकालो ये आपका पूरा सिलेबस है छोटा सा है ज्यादा नहीं है 25 चैप्टर ही है और प्रोविजंस ढेर सारे इसकी फोटो खींचो और चेक करेंगे कि क्या ट्वेंटी फाइव चैप्टर्स एल एम एस पे है खींच लो फोटो की फिर तुम्हें एल पे लेके चलती हूं डन यस मैम ठीक है चले तो चलिए ये तो जूम मीटिंग पे चल गए हम कैसे जाओगे हमारी क्लासेस पे हमारी वेबसाइट के थ्रू जाओगे डब्ल्यू 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 डॉट वैल्यू एड डॉट इन यहां पर आपको कुछ लॉग इन क्रीडेंशियल्स मिलेंगे आप लॉग इन करोगे सबसे पहले ये माय प्रोफाइल मेरा ऑलरेडी लॉग इन है माय कोर्सेस पे जाओगे माय कोर्सेज में आपने जो जो भी कोर्सेज में एनरोल किया है वो सारे के सारे आपको यहां दिखेंगे तो मैं तो अपने हर बैच की स्टूडेंट हूं इसलिए मैं यहां पे सब में एडेड हूं तुम्हें एक दो ही दिखेंगे जिसमें तुमने अभी क्लासेस ली है।, ऐसा दिखेगा। अच्छा ये तो एक है एक एक दिखाती जाती हूँ लेफ्ट में देखो लेफ्ट से तुम्हें यहां टैक्स ओरिएंटेशन सेशन सितंबर का दिख रहा होगा ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि दिसंबर का तो अभी हो रहा है ना वंस टूडे सेशन विल बी डन tomorrow यू विल फाइंड here December का orientation सेम इसी जगह पे इसलिए इसको मैंने यहां से हटाया नहीं है ताकि तुम्हें इसका एड्रेस पता रहे कि ओरिएंटेशन कहाँ डाला जाएगा यहां डाला जाएगा फर्स्ट लाइन आइटम तो December वाला ओरिएंटेशन विल बी here देन कम्स योर प्लानर ये प्लानर भी September का है इस तरह का कैलेंडर है यही कैलेंडर अभी मैं आप लोगों के लिए दिखाऊंगी और वो कैलेंडर डिसंबर एग्जाम वाला यहां पे आ जाएगा सेम इसी जगह पे और ये सितंबर वाला हट जाएगा अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। सारे से। इनकी काउंटिंग मैंने आगे लिखी है वन टू थ्री फोर अगर मैं इनकी काउंटिंग करूं तो ये जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, जा रहे हैं जा रहे, हैं, जा रहे, हैं, जा रहे हैं, सिर्फ थर्टी थ्री चैप्टर कितने थे ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव थे ना yes. थर्टी थ्री सेशन ही है ज्यादा नहीं करने तो ये सिर्फ़ मत बोलो डर लग रहा है। <laughs> यानी रोज एक एक एक-एक-एक-एक सेशन करना जरूरी है तब जाके महीने भर में तो तुम देखोगे। <laughs> कोई बात नहीं घबराओ मत। देखो अब इसमें क्या है इन सेशन में क्या है वो देखो चैप्टर नंबर वन दिख रहा है फिर चैप्टर टू आता है फिर थ्री आता है थ्री 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 तो ये जो तीन आइटम है ना ये ऑल अबाउट आई एस ए ये पंद्रह मिनट के घबराना मत ये कुछ मैंने अलग से रिकॉर्ड किए थे जो टॉपिक्स लेस इंपॉर्टेंट है दो नंबर के आ सकते हैं उनको मैंने अलग से रिकॉर्ड करके यहां डाला हुआ है है ठीक इसलिए घबराना नहीं ये पंद्रह मिनट के सो चैप्टर थ्री पूरा डन ये चैप्टर फोर आता है ये चैप्टर फाइव आता है चैप्टर फाइव इंपॉर्टेंट है इसलिए दो क्लासेस में हुआ चैप्टर सिक्स सेवन एट नाइन, टेन टेन दो बार में है और आधे आधे घंटे की है इलेवन ट्वेल्व थर्टीन थर्टीन के देखो मैंने दो टुकड़े कर दिए थ्योरी पोर्शन अलग है प्रैक्टिकल पोर्शन अलग है फोर्टीन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन एक साथ सेवनटीन सेवनटीन के दो टुकड़े अलग अलग एक प्रैक्टिकल पोर्शन एक थ्योरी पोर्शन देन कम सेवेंटीन के बाद में आई एच टी ये क्या है आई एच टी नाम की क्या चीज है चलो पीपीटी खोल के दिखाती हूं होवेंटीन आई एच टी है चैप्टर इनहेरिटेंस टैक्स को IHT बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में आई एच टी इनहेरिटेंस टैक्स दिस इज चैप्टर नंबर ट्वेंटी थ्री तुम सोचोगे कि बीच में ये कहा गायब हो गए 18, 19, 20, 21, 22. अगर इनको देखोगे इनमें गेन की बात हो रही है यह कहलाता है कैपिटल गेन्स यानी सीजीटी तो सीजीटी के चैप्टर्स कौन से कौन से टू ये सारे चैप्टर्स सीजीटी है यानी ये चार पांच चैप्टर कराने में मुझे कम से कम तीन सेशन तो लगे होंगे चलो चेक करते सीजीटी 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 सी जी टी चार लगे सो सी जी टी इज दोटल ऑफ दीज फोर फाइव चैप्टर्स आईएच टी मुझे तीन बार में कराना पड़ा सो दिस इज थ्री डिफरेंट पार्ट में आईएच टी नेक्स्ट पे चलते हैं लास्ट ई लास्ट जो दिख रहा है दैट इज वैट वैट के दो ही चैप्टर हैं ये ट्वेंटी सिक्स तो और ट्वेंटी सेवन चैप्टर नहीं है सो so वैट के दो आते वैट को भी चेक कर लेते वैट हमने लिया है क्या वैट 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 ठीक है यानी कवर्ड सब कुछ है लेकिन कुछ ज्यादा ही है वीडियोस कैसे चलेंगी आप सिंपली पहुंचोगे जैसे तुम्हें सीजीटी की एक दिखाती हूं पार्ट वन आप वीडियो पे जाओगे क्लिक करोगे गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू सीजीटी चार्जेबल गेन्स टैक्स, ठीक है ये सीजीटी आप सिंपल क्लिक करते हो एंड यू रीच द क्लास अब एक चीज कई लोगों को जल्दी देखना है मतलब स्पीड तेज करनी है मेरी पढ़ाने की बिकॉज इट वॉज अ लाइव बैच तो मैं लाइव में धीरे पढ़ाती हूं आप यहां से इसकी स्पीड एडजस्ट कर सकते हो मुझे तेज भी भगा सकते हो स्लो देखना है तो मुझे धीरे करके भी देख सकते हो यहां वीडियो क्वालिटी आप इंप्रूव भी कर सकते हो एज पर योर बैंडविथ इंटरनेट एंड बैंडविथ तो तो ये तो सारे के सारे कॉन्टेंट्स आपको यहां मिलेंगे सेशन में अब नोट्स का क्या होगा क्योंकि मैं तो सामने एक पीपीटी चला रही हूं तो पीपीटी तो तुम्हें चाहिए होगी वरना सारे के सारे नोट्स थोड़ी बनाने बैठोगे ये आ जाती हैं आपकी पीपीटीज एंड नोट्स सारे चैप्टर्स की चैप्टर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन सेवनटीन आईएचटी सी जी टी के सारे आ गए वैट के सारे आ गए ठीक है ये व्यू ओनली है मतलब आप सिर्फ इनको देख सकते हो इनको आप प्रिंट नहीं कर पाओगे प्रिंट करने के लिए अलग फोल्डर पर जाना पड़ेगा तो ये व्यू ओनली यहां पे क्यों बनाई गई है आप मेट्रो में हो नहीं आपके पास अपनी बुकलेट नोट्स की जो आपने प्रिंट आउट लिए थे तो क्या करें इसको खोलो और एक्सेस कर लो देख लो क्या नोट्स थे तो ये व्यू ओनली है सेम टू सेम सारे के सारे ये डाउनलोडेबल भी आपको मिलेंगे किसी पे भी क्लिक करो ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड करो एंड टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दिस पीपीटी अब ये पीपीटी में साइड में आपको जगह भी मिलेगी कुछ एड ऑन करना है तो साइड में लिख लो कोई डिटेल लिखनी है हिंदी में कोई चीज क्लैरिफिकेशन डालना है वो डाल लो उसमें ठीक है सो पीपीटीज व्यू ओनली डाउनलोडेबल दोनों आपको दिखती है अब एग्जाम किट लाइब्रेरी में मैंने कुछ क्वेश्चन डाले थे जो बच्चों ने स्पेशल रिक्वेस्ट करी थी कि मैम ये वाले क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफी अजीब से हैं तो क्लास में तो जो कराए हैं वो कराए हैं ये कुछ अलग से भी डाले थे अगर कभी भी ये क्वेश्चंस करो तो पहले इनको यहां से देख लेना अगर क्लास में कभी भी मैंने एक्सेल पे काम किया है तो वो एक्सेल शीट्स भी आपको इधर मिल जाएंगी आप इन पे क्लिक करके उनको डाउनलोड कर सकते हैं। सेक्शन सी टेस्ट आपको यहां दिखेंगे रूटीन टेस्ट यहां दिखेंगे एक बार इनको खोल के दिखा देती हूं रूटीन टेस्ट मैंने कितने बोले थे पांच कितने दिख रहे एक दो तीन चार पांच छ यानी किसी बैच के ऊपर ना प्रचंड गुस्सा थी मैं <laughs> उनको साथ में लपेट लिया था पॉइंट ये तुम्हें टेस्ट की कमी नहीं लगेगी स्टडी हब पे भी अब तो क्विजे बहुत सारे आ गए हैं तो उनको तुम्हें पूरा यूटिलाइज करना है देन कम्स सेक्शन सी टेस्ट कहाँ गए सेक्शन सी ये रहे सेक्शन सी टेस्ट कितने दिख रहे वन टू थ्री ये आपकी इच्छा से नहीं खुलेंगे मैं जिस दिन खोलूंगी उसी दिन एक्सेसिबल होंगे और ये 24 फोर आवर्स के लिए ओपन रहेंगे रूटीन टेस्ट तो आप जब चाहो तब दे सकते हो वो आपके क्विज़ कितने होंगे? यानी रूटीन टेस्ट में अगर मैं करते जा रहे हो, टेस्ट वन किस चीज से रिलेटेड है बेसिक इनकम टैक्स कॉम्पिटेशन से जैसे ही बेसिक इनकम टैक्स कॉम्पिटेशन कंप्लीट किया अपना पहला वाला रूटीन टेस्ट खोलो और इसका क्विज स्टार्ट करके डन कर दो ऐसे ही टेस्ट स किससे रिलेटेड है बेसिक से इन्वेस्टमेंट इनकम से एम्प्लॉयमेंट इनकम से ट्रेडिंग इनकम से और कैपिटल अनाउंसेस से इसलिए मैंने हेडिंग लिख रखी है यहीं पे कि इनको तभी खोलना जब तुम्हारे ये वाले चैप्टर हो गए हो तो ये तो तुम अपने हिसाब से कर लोगे लेकिन सेक्शन सी वाले तो मुझे इवेलुएट करने हैं तो सेक्शन सी वाले टेस्ट एक पर्टिकुलर डेट पे ट्वेंटी आवर्स के लिए ओपन रहेंगे आप इन टेस्ट को करेंगे हमें सबमिट करेंगे फिर हम उनको इवेल्युएट करेंगे सेक्शन सी टेस्ट अलग अलग सबके लिए चेक नहीं हो सकते मैं एक साथ सारे टेस्ट लेके बैठती हूँ और सबको एकदम चेक करती जाती हूँ तो दे के नॉट बी चेक बेसिस की कोई दस दिन बाद दे रहा है कोई चार दिन बाद दे रहा है कोई आज दे रहा है ऐसा नहीं होगा ये डेडिकेटेड टाइम पे होंगे तीनों के तीनों तो अभी तुम्हें तो कैलेंडर दूंगी उनमें इनकी तीनों की डेट भी है अब ये कुछ यहाँ पे ट्रैकर नाम का एक आइटम दिख रहा है ये टेस्ट तो ठीक है ये कुछ ट्रैकर जैसी चीज दिख रही है ये ट्रैकर क्या होता है इसको आप डाउनलोड करो ये मैंने एग्जाम किट का ट्रैकर बना रखा है ताकि आपको हर क्वेश्चन का पता चले कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है जैसे यहां सामने आप देखोगे इंडिविजुअल्स के जितने भी चैप्टर्स है ये क्वेश्चन नंबर है जैसे क्वेश्चन नंबर वन है आपकी एग्जाम किट का कैप्टन की एग्जाम किट का वो किससे रिलेटेड है चैप्टर टू से रिलेटेड है यानी चैप्टर टू जैसे खत्म कर लोगे तब आप क्वेश्चन नंबर वन कर सकते हो टू कर सकते हो थ्री कर सकते हो और फाइव तक कर सकते हो प्लस एक सेवेंथ भी कर सकते हो प्लस थर्टींथ भी कर सकते हो प्लस सिक्सटींथ भी कर सकते हो और इनके आगे ये स्टेटस में डालते जाओ डन 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 तो ये जो तुम्हारा ट्रैकर है इसको भी डाउनलोड करना और इसका भी प्रिंट आउट ले लेना तो ट्रैकर से तुम्हें पता चल जाएगा कि एक चैप्टर करने के बाद में एग्जाम किट के आप कौन से क्वेश्चन कर सकते हो ये तीनों का बना हुआ है सेक्शन ए बी सी तीनों का ये रहे। ये ए चल रहे हैं बी के तीन ही क्वेश्चन है ये फिर आके 99 से चालू होते हैं सेक्शन सी के क्वेश्चंस और ये चलते हैं बहुत सारे ये देखो इतने सारे और मैंने वो भी लिख रखा है कि क्वेश्चन नंबर 109 किस टॉपिक से रिलेटेड है ई आई मैं लिखती हूं एम्प्लॉयमेंट इनकम को टी आई मैं लिखती हूँ ट्रेडिंग इनकम को ये जब तुम क्लासेस देखोगे तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि मेरी शॉर्ट टर्मिनोलॉजी क्या है ठीक है सो ट्रैकर आर्यन मैं ये करती हूं सो ट्रैकर इज फॉर द होल एग्जाम किट टैक्स से रिलेटेड कितने चैप्टर्स है से कितने हैं सीजीटी से रिलेटेड कितने हैं वैट से रिलेटेड कितने हैं ये सब इस ट्रैकर में दिया हुआ है और ये ट्रैकर आप डाउनलोड कर सकते हो डाउनलोड करो और इसमें ये आगे स्टेटस तुम्हारे लिए छोड़ रखा है मैंने तो क्लास में क्वेश्चंस कराए सो कराए हैं वो मैंने यहां मार्क नहीं किए पहले तो मैं क्लास वर्क होमवर्क भी करके देती थी अब नहीं देती मैं क्योंकि मैंने जो क्लास वर्क में कराया है वो क्वेश्चन तो तुम्हारे हाथ से जरूर होना चाहिए इसलिए अब मैंने वो क्लास वर्क उड़ा दिया अब मैं क्लास वर्क नहीं लिख के देती आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं चाहे वो मैंने क्लास में कराया है चाहे नहीं कराया है मैंने कराया है, तो अपने आप ही टफ वाला कराया होगा तो उसको तो अपने आप वैसे ही हाथ से निकालो थ्री हंड्रेड एंड सिक्स बहुत कुछ है इसमें करने को पेपर बहुत लेंदी है ये इसलिए इस पेपर में आपको कंसिस्टेंसी पूरी चाहिए अगर मैं कंसिस्टेंसी को डिफाइन करूं वर्किंग डेज में कोशिश करके हाफ एन आवर मैक्सिमम वन आवर जरूर देना और वीकेंड्स पे पांच पांच घंटे जरूर देना फाइव फाइव आवर्स ये सारा सिलेबस लाइव वालों ने अटेंड किया था जिसमें वो मेरी स्पीड बढ़ा नहीं सकते थे तुम मेरी स्पीड बढ़ा सकते हो तो ब्लेंडेड में इस चीज का फायदा उठाना मेरी क्लास को एक बार अगर आपने धीरे धीरे देखा है लगे कि भाई मैम बहुत धीरे बोल रही है कोई बच्चा एक प्रॉब्लम के पीछे ही लग गया है फटाफट उसकी स्पीड बढ़ाओ गेट गोल ठीक है एग्जाम के ट्रैकर का यूसेज समझ में आया इज इट क्लियर टू एवरी वन यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम यूर समझ में आया yes, 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 ट्रैकर पुरानी बुक का नहीं होगा ये ट्रैकर नई बुक का है क्योंकि हमें नए फाइनेंस एक्ट के हिसाब से करना है। you cannot use पुरानी बुक ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर वाली बुक यूज करनी है जो मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तक एप्लीकेबल रहे तो ट्रैकर भी उसी बुक का बना हुआ है अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं प्रॉब्लम सेशंस पे तो प्रॉब्लम सेशंस ये तुम्हें सेप्टेंबर के दिख रहे हैं आगे तुम लोगों के आठ प्रॉब्लम सेशन आएंगे यहां सात क्यों दिख रहे लास्ट वाले यार मैं अपलोड करने में ना थोड़ा आलस कर जाती हूं लास्ट वाला प्रॉब्लम सेशन में बच्चे सिर्फ अपना दुखड़ा रो हो रहे होते हैं प्रॉब्लम ज्यादा नहीं पूछ रहे होते तो मैं फिर इसलिए लास्ट वाला कई बार नहीं डालती क्योंकि उससे खाम खा फोल्डर का ड्यूरेशन बढ़ जाता है तो ये जैसे यहां पे आपको दिख रहे हैं वैसे ही दिसंबर के जो भी प्रैक्टिस सेशंस या प्रॉब्लम सेशंस होंगे उनकी रिकॉर्डिंग भी अपलोड होगी आप नहीं अटेंड कर पा रहे तो भी यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम हियर। लास्ट मॉक टेस्ट पेपर्स कितने मॉक बोले मैंने दो मॉक वन का सेक्शन ए बी मॉक वन का सेक्शन सी मॉक टू का सेक्शन ए बी मॉक टू का सेक्शन सी ये अलग अलग क्यों है क्योंकि एल एम एस पे एक आइटम पीडीएफ में डाला हुआ है दूसरा क्विज की तरह हुआ है आप जब करेंगे तो हाथ के हाथ स्कोर रिलीज हो जाएगा इसलिए मुझे दो टुकड़ों में बनाने पड़े क्योंकि सेक्शन सी में तो स्कोर रिलीज हो नहीं सकता इसलिए सेक्शन सी को क्विज की तरह नहीं बनाया जा सकता तो मैंने सेक्शन सी अलग ही कर दिया लेकिन ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा नोट सारे डाउनलोडेबल मिलेंगे मुझसे आपको आठ प्रॉब्लम सेशंस मिलेंगे लेकिन अब ये आठ प्रॉब्लम सेशंस में तुम लोगों को पहले ही मैं एक क्लैरिटी दे देती हूं सो दैट इट टर्न आउट टू बी अ शॉक फॉर यू ऑल ऑलवेज प्रेफर अ पर्टिकुलर अप्रोच ऑफ आस्किंग प्रॉब्लम क्या सबसे पहले जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको पीछे सोल्यूशन से देख के सॉल्व करो सोल्यूशन से क्यों देखोगे जब आप समझ रहे हो ना जब चीजें आप पढ़ रहे हो तो सोल्यूशन से देख के तो समझ में आनी चाहिए चिंता की बात हो जाएगी अगर सोल्यूशन भी देख के समझ में ना आए क्योंकि टैक्स में गलतियां क्या होती हैं आप प्रोविजन में एक चीज भूल जाते हो लगाना रह जाता है तो यहां कोई वैसा टेक्निकल एरर नहीं होता भूलने का एरर होता है इसलिए उसको फटाफट सॉल्यूशन से देख के अब जो चीज भूल गए उसको स्टिकी पैड पे या फिर वो जो पोस्टेड जाते हैं उनके ऊपर लिखना कि यार ये प्रोविजन मैंने गलत अप्लाई कर दिया था तो इसको अप्लाई कैसे करना है पोस्टेड पे लिखो वो आगे से याद रहेगा उस प्रॉब्लम को मेरे लिए पाक मत कर लेना इट्स जस्ट यू फॉरगॉट समथिंग सो फर्स्ट अप्रोच आपको सोल्यूशन देख के चेक करना है कि आपका आंसर क्यों नहीं आ रहा अप्रोच ये पहला वाला देख के भी समझ में नहीं आया तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डालो लेट योर फ्रेंड्स आंसर तो ये फ्रेंड्स के आंसर करने से दो फायदे होते हैं पहला फायदा तो ये होता है तुम्हारा डिस्कशन सुन के जो पढ़ नहीं रहे उनको चिंता हो जाती है दूसरा तुम्हारी प्रॉब्लम संडे तक वेट नहीं करने की जरूरत पड़ेगी पहले ही सॉल्व हो जाएगी तीसरी तीसरा फायदा जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है उसको भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी और एक मैं कॉमन फायदा बोलती हूं अपन ऑनलाइन के सिस्टम में बैठे हैं हाउ विल यू मेक योर सेल्फ एवरीबडी फील योर प्रेजेंस हाउ विल दे फील योर प्रेजेंस वेन यू विल टॉक एंड ऑन वॉट विल यू टॉक लाइक दिस यू विल हैव टू टॉक कोई कुछ पूछ रहा है अगर आप फ्री हो मैनेजेबल है तो जवाब दो अगर बहुत बिजी हो टाइम नहीं है तो भाई पहले अपने मेन काम पे फोकस करो ये तो उसके लिए है कि भाई ठीक है आपके पास टाइम है सॉर्टेड आउट इट विल एक्चुअली गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर आपने मेरे ब्रोशर्स देखे अनमोल उसमें दिखेगा आपको एफ आर का 82 टू मार्क्स होल्डर मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री कोई भी बैच में प्रॉब्लम पूछता था सबसे पहले अनमोल आता था उसको आंसर करने के लिए वंश गंभीर ये कुछ ऐसे बच्चे थे जो लिटरली ऐसा होता था कि भाई कोई कुछ पूछ रहा है ना तो इनके पास उसका जवाब जरूर होगा और वो जवाब इसलिए होगा क्योंकि ये ये क्वेश्चंस लोग कर चुके होते थे सो so, इनको भी लगता था कि हाँ यार अगर मैं सही जवाब दे रहा हूं और मैं इसको रिलेट कर पा रहा हूं इसका मतलब मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन ट्रैक करी है ये राखी बैठी है राखी भी करती थी ये जूही विल फॉलो ओके मैम थैंक्स सो so, इसलिए इन स्टेप्स को ध्यान रखना मेरे पास तुम प्रॉब्लम तब लेके आना जब सब तरफ से हार जाओ और कोशिश खत्म हो जाए मैं उसका कारण बताती हूं नॉट दैट कि तुम लोगों की प्रॉब्लम्स नहीं होगी तो मैं प्रॉब्लम क्लास पंद्रह मिनट पर खत्म कर दूंगी अगर तुम लोगों की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तो फिर मैं तुम लोगों से पूछूंगी मैं क्वेश्चंस क्रिएट करूंगी जो आप मेरे सामने करेंगे विद इन अ टाइम लिमिट आई वॉन्ट टाइम फॉर दैट लेकिन अगर दो घंटे तुम्हारी प्रॉब्लम ही चलती रही तो तीसरे घंटे फिर मैं वो क्वेश्चन पूछने की हालत में बचूंगी नहीं <laughs> इसलिए कोशिश ये करना फर्स्ट टू स्टेप्स में अगर इजिली प्रॉब्लम सॉल्व होती है ग्रेट नहीं होती है तो तीसरी मेरे पास ले आओ इवन इफ वी कैन सेव टू क्वेश्चन का टाइम तो वो टू क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम यू ऑल चाहे वो प्रोविजन पूछने हो गए चाहे वो कोई छोटा सा टॉपिक जिसमें तुम फंस रहे हो उसका रिविजन कराना हो गया ये चीजें बड़ी हेल्पफुल लगेंगी तुम्हें हर वीक तो अपने को ये चीज फॉलो करके चलनी है जो नहीं सॉर्ट होगा टेक इट टू मी लेकिन लास्ट बैच में मेरा एक एक्सपीरियंस रहा कई बच्चों ने यहां तक भी आके प्रॉब्लम्स पूछी क्योंकि आठ दिख रही थी मैम इस वर्ड का मतलब क्या होता है भाई वो तो गूगल पे मिल जाएगा इस तरह के प्रॉब्लम्स भी मैंने डील करी है तो थोड़ा सा ये सोचो कि प्रॉब्लम्स मैम के पास लाके तुम अपना ही नुकसान करोगे इस तरह की प्रॉब्लम्स लाके जो बिल्कुल इजीली आ सकती थी रिविजन करना है और मैं ओरल टेस्ट लेने पर जब उतरूंगी टैक्स का तो तुम्हें खुद फील होगा कि हाँ एक इंडिविजुअल ने सेविंग्स इनकम अर्न है जरा इसका टैक्स कैलकुलेट करना दिस इज विल प्रैक्टिस ठीक है तो is, जहां तक हो सके इंडिपेंडेंट होना है अगर नहीं हो सके तो मैं बैठी हूं क्योंकि ये सिलेबस इतना लंबा है आई वॉन्ट समथिंग टू बी डन सो दैट यू डू नॉट मैसअप विदविजन उसके लिए मुझे पूछना बहुत जरूरी है तो ये तो सब एल रहेगा एल में किसी को कहीं कोई दिक्कत बताओ 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 ठीक है चलिए जी तो ये सारा सिलेबस आपने देख लिया दैट दिस इज कवर्ड इन डिटेल मतलब रिक्वायर्ड डिटेल से ज्यादा ही <laughs> <laughs> अब आते हैं, आपका शेड्यूल क्या रहेगा यानी कि क्लासेस कैसे कैसे होंगी कब कब होंगी ये आपका शेड्यूल है सॉरी मैंने टाइमिंग पूछी नहीं क्योंकि अब मेरा कैलेंडर काफी टाइट है सो आई हैव ट्राइड टू कीप इट व्हेन यू ऑल आर अवेलेबल तो जैसे तुम देखोगे आठ में से एट सेशन में से सेवन आर ऑन संडे सो दीज आर डेस्परेटली केप्ट ऑन संडे सो दैट यू ऑल कैन अटेंड इट So I am getting desperate to meet you all. तो ये संडे 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 सारे रखे गए हैं एक बस ऐसा है जो फ्राइडे है तो ये जो फर्स्ट बैच होता है ना दिस इज ऑलवेज जो फर्स्ट क्लास होती है वो हमेशा वर्किंग डे पे बैठती ही बैठती है आज हम बैठे हैं एटीन पे दिस क्लास विल भी आफ्टर इलेवेंथ डे मतलब इलेवेंथ डे है आपका ये इलेवन डेज के बाद में बाई दीज इलेवन डेज यू शुड बी डन विद चैप्टर नंबर वन टू एंड थ्री क्योंकि ये working day है, हम कब मिलेंगे हम एट थर्टी को मिलेंगे रात के ताकि आप लोग अपने ऑफिस से आ जाओ एंड देन वी कैन सिट फॉर द्लास और ये फर्स्ट क्लास है इसलिए इसमें बहुत भयंकर प्रॉब्लम भी नहीं होंगी इसलिए मैंने पहली वाली को वर्किंग डे पर डाल दिया बाद वालियों की बजाय एंड बाद आर ऑल ऑन संडे 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 फर्स्ट प्रॉब्लम सेशन में आप चैप्टर नंबर वन टू थ्री कंप्लीट करेंगे देन यू विल कंप्लीट चैप्टर नंबर और इनके साथ के साथ के के एग्जाम किट भी सेक्शन सी क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे जब तक आपके चैप्टर नंबर थर्टींथ तक आप नहीं पहुंच जाते या ये बोलो ट्वेल्थ तक नहीं पहुंच जाते ट्वेल्थ तक पहुंचने के बाद में सेक्शन सी कर पाओगे वरना मैंने किसी सेशन में बोला होगा कि भाई अब ये वाला सेक्शन सी का क्वेश्चन कर सकते हो तो सिर्फ वही कर लेना तो जैसे जैसे मैंने बोला है सेक्शन सी के लिए वो कर लेना लेकिन चैप्टर वाइज सेक्शन ए के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं तो डे वन से इनको करना चालू कर देना बाय प्रॉब्लम सेशन टैक्स भी डन हो जाएगा उसके बाद में नंबर आएगा आईएचटी का फिर सीजीटी का सीजीटी क्योंकि लंबा है इसलिए मैंने इसको दो प्रॉब्लम क्लासेस में डाला है एक प्रॉब्लम क्लास में सीजीटी कम पड़ता है ऑलवेज so, सीन कि सीजीटी में दो क्लासेस लगती लगती हैं और वैट में कई बार बच्चों के पास पूछने के लिए कुछ नहीं होता तो इनकी प्रॉब्लम क्लासेस सेट ऐसे ही की गई है कि यूजुअली पास्ट पैटर्न ऑफ बैचेस थ्रू दीज चैप्टर्स ठीक है इसकी टाइमिंग्स आपको यहां दिख जाएंगी डेज आपको यहां दिख जाएंगे अगर आप कभी किसी प्रॉब्लम क्लास में नहीं आ पाते हो ग्रुप पे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई ने किसी दोस्त को बोल दो कि यार मेरे बिहाफ पर पूछ लेना वो हो तो यह प्रैक्टिस चालू करना तुम्हारी प्रॉब्लम एवरीबडी क्लियर विदेंडर बता सकता yes, yes, ah. अब इसको ऐसे भी दिखा देती हूं क्योंकि आपका कैलेंडर ऐसे दिखेगा अभी तो मैंने इसका सिर्फ एक ब्रीफ टेबल बताई है कि तुम्हें अगर आउट लेना हो अपने चिपकाना हो तो उसको चिपका लेना वरना कैलेंडर कुछ ऐसा दिखेगा हम पहली बार मिलेंगे को को आपका रूटीन टेस्ट मैं टेंटेटिवली मान रही हूं कि तुम संडे दे देना ये तुम अपनी इच्छा से दे सकते हो लेकिन मैंने फिर भी यहां लिखे हैं ताकि तुम अपनी रिदम तो फॉलो करो एक फ्लो और डिसिप्लिन तो चलाओ वरना तुम एंड तक रूटीन टेस्ट करोगे ही नहीं इसलिए मैंने डेट्स रूटीन टेस्ट की भी डाली है भले ही आप ये कभी भी कर सकते हैं तो कोशिश करना कि मेरे टाइम टेबल के हिसाब से चल पाओ देन कम्स अक्टूबर ये आपके सारे संडे के प्रैक्टिस आ गए आपके रूटीन टेस्ट यहां भी मैंने डाल दिए कि इन दिनों के आसपास ही अपने रूटीन टेस्ट को कंप्लीट कर लेना डेफर मत करना डिले मत करना अब सेक्शन सी का टेस्ट पहला टेस्ट होगा इंडिविजुअल्स के सारे चैप्टर से रिलेटेड यानी जब तक 10-12 चैप्टर नहीं होंगे तब तक आप सेक्शन सी का पहला टेस्ट दे नहीं पाओगे दैट इज वाई आई हैव शेड्यूल्ड इट ऑन ट्यूसडे ट्वेंटी फोर्थ ऑक्टोबर अब तुम बोलोगे मैम वर्किंग डे है हाँ बच्चे वर्किंग डे तो है तो टैक्स का भी बोला ना मैंने वर्किंग डे हो चाहे वीकेंड हो यू हैव टू स्टडी डेली ठीक है तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा इसके बाद में आते हैं नवंबर पे नवंबर के ये तीन सेशंस आपके आते हैं रूटीन टेस्ट मैंने एक ही डाला है क्यों क्योंकि सेक्शन सी के टेस्ट दो आ रहे हैं नवंबर में आप एक देंगे कॉरपोरेशन टैक्स से रिलेटेड दूसरा होगा आपका मिक्स मिक्स मतलब इस बैच को देख के आइडेंटिफाई करूंगी कि ये बैच किसमें रो रहा है <laughs> जिस भी पोर्शन में रो रहा होगा उसी के ऊपर टेस्ट बनाऊंगी ताकि आप इस टेस्ट से कुछ तो कॉन्फिडेंट फील करें और उस चीज को छोड़ के ना चले जाए टैक्स के पेपर की एक खास बात है कोई भी सिलेबस एरिया ये छोड़ते नहीं है क्यों क्योंकि सेक्शन सी में इसमें तीन क्वेश्चन आते हैं दे हैव सेक्शन सी के थ्री क्वेश्चन सेक्शन बी के कितने हैं थ्री क्वेश्चन और अगर पूरे सिलेबस की हेड्स गिनी जाएं, वो पांच है एक इंडिविजुअल्स एक कंपनीज का कॉप टैक्स एक आईएचटी, एक सीजीटी और एक वैट यानी सब हेड्स सिलेबस के पांच लेकिन क्वेश्चंस जो आ सकते हैं वो है यानी अपने पास कुछ स्कोप ही नहीं है छोड़ने का तो छोड़ना भी नहीं है इसलिए सब कुछ करना है टाइम टाइम पे मैं तुम्हें गाइड करती रहूंगी कि इस चीज को कैसे उठाना उस चीज को कैसे उठाना सो कंसिडरिंग दैट चलना अभी के लिए सेशन का जो सीक्वेंस है उसके बेसिस पे चलते जाओ प्रोविजंस को ज्यादा से ज्यादा हो सके लिखते जाओ ये सेक्शन सी के टेस्ट आपको इंश्योर करना है कि आप दें आपका फर्स्ट मॉक मैंने सेट किया है ट्वेंटी सेकेंड को और सेकेंड किया है संडे को और मुझे चार पांच दिन का टाइम चाहिएगा मैं बहुत कोशिश करके ये जो फर्स्ट मॉक है इसके बाद में मैक्स टू मैक्स ट्वेंटी फोर्थ या ट्वेंटी फिफ्थ मॉर्निंग तक तुम्हें फर्स्ट मॉक चेक करके दे दूंगी फिर उसमें जो तुमने छोटी मोटी लिखने की गलतियां करी होंगी ट्राई टू अवॉइड देम इन योर मॉक टू इससे लेट हम नहीं कर पाएंगे Why? Because December फिफ्थ is your exam. तो so डिसंबर तक तो वैसे ही आपके पास पेपर चेक करके नहीं आना चाहिए पेपर चेक होके इन एनी केस आपके पास पहुंच जाना चाहिए थर्टीएथ नवंबर तक वो तभी पहुंचेगा जब ट्वेंटी सिक्स को आप दूसरा मौत दोगे इसलिए ये डेट जो भी फाइनल हुई है ज्यादा से ज्यादा एक दो दिन इनको आगे बढ़ा सकते हैं उससे ज्यादा नहीं एंड मोमेंट तक तुम्हारे पास अगर मॉक चेक होके आएगा यू विल फील वेरी डिमोटिवेटेड अगर गड़बड़ इधर उधर हो गई तो आई डोंट डों के हाथ में उनके चेक मॉक्स पहुंचे ठीक है लेकिन हाँ एक दो दिन हम आगे पीछे कर सकते हैं दैट्स एब्सोल्युटली फाइन आई वांट यू ऑल टू गिव दी मॉक्स टू दी मैक्सिमम लेवल दैट इज नीडेड तो ये सब होगा जी ये आपका पूरा का पूरा टैक्स का शेड्यूल रहेगा इसी कैलेंडर में ये सेक्शन सी के टेस्ट किससे रिलेटेड आएंगे वो मैंने यहां लिख दिए हालांकि मैंने तीसरा सीजीटी लिखा है लेकिन अगर आपको किसी और टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही होगी तो मैं वहां वाले से इसको कैप्चर करूंगी तो तीसरा टेस्ट सीजीटी का होगा या किसी और आइटम का होगा डिपेंड करेगा आप लोगों की परफॉर्मेंस पे एज ऑफ नाउ ये है चार से पांच दिन मुझे मॉक चेक करने में लगेंगे चार से पांच दिन आई विल टेक टू चेक सेक्शन सी टेस्ट एज वेल अब कमाल की बात तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए टेस्ट चेक होंगे भी या मैम बस यू ही बोल रही है तो तुम्हें दिखाती हूं एक बार टेस्ट चेक होंगे वैसे तो बहुत सारे मेरे पुराने स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको पता है कि टेस्ट तो चेक होंगे पर फिर भी एक बार दिखा देती हूँ जस्टिस ना अपना ऑफिशियल कॉल्स <laughs> क्या आ जाएगी आप कॉल करने को भी तो कह देते हो बिल्कुल तो अगर जचेगा ना कि भाई ये भी करने की जरूरत पड़ सकती है तो आई विल well. अपनी मेल दिखा देती हूं एक बार तुम्हें ताकि तुम मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि हमें टेस्ट देने हैं मैम वी ऑलरेडी नो दैट यस आई नो बट ऑल दो न्यू बस उनको एक बार वैसे ही दिखा दू कि भाई चार पांच दिन लगेंगे मुझे टैक्स वंश का ही आ गया ऊपर बताओ मैं वंश को याद कर रही थी सो ट्वेंटी सिक्स ऑगस्ट ही सबमिटेड मॉक का solution, 28th August, ये तो मैंने इसके बहुत जल्दी दे दिया था भाई ज्यादा होप में मत रहे ना चार से पांच दिन लगते हैं एंड दिस इज हाउ दुएशन है ठीक है वंश ने वाकई भाई कमाल किया था वेरी गुड ये सेक्शन सी है ठीक है तीन क्वेश्चन होते हैं सेक्शन सी में याद रखना टेन फिफ्टीन फिफ्टीन ठीक है सो तीन क्वेश्चन आएंगे यू हैव टू मैनेज देम टैक्स वाले तुम्हें और दिखा देती हूं यहां पे सेंट आइटम्स में दिखाती हूं पीएम 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 मॉक टेस्ट टू प्रणय टैक्स ये सारे के सारे टैक्स वाले हैं दिख रहा है वंश टैक्स मॉक टू प्रणय टैक्स मॉक टू मॉक टेस्ट टू ये भी टैक्स का है ये देखो मॉक टेस्ट टू फॉर टैक्स दिस हैज बीन ये टैक्सिंग मेरी है अब तो वैसे सारी दुनिया मेरी पहचानने लग गई है दिस इज माई हैंड ठीक है अब ये बच्चों के नंबर देखने की जरूरत नहीं है तुम्हें सो द आइडिया इज दैट वी चेक द टेस्ट एक बार तुम्हें सेक्शन सी का टेस्ट भी दिखा देती हूँ कि सेक्शन सी का टेस्ट भी चेक होता है क्या किसका दिखाऊं पीएम का आ रहा है टैक्स का ओके फर्स्ट सेप्टेंबर है hmm. रवीना रवीना का भी मौक इसमें चलो रवीना का वैसे भी ढूंढ लेते हैं टैक्स सेक्शन सी टेस्ट थ्री टैक्स सेक्शन सी टेस्ट टू दिख रहे हैं सेवनटींथस्ट दिस टेस्ट वॉज हेल्ड एंड ट्वेंटी भाई चार पांच दिन लगेंगे बट यू हैव टू डू दिस ओके दोइंग यू दीज इ ने पेपर दिए है और पेपर हमें चेक करके देने होते हैं सो वी गिव इट सो यू ऑल प्लीज इंश्योर कि आप अगर ज्वाइन करोगे तो टेस्ट देने के मूड में रहना वरना ऐसा मत करना कि आपके पास टेस्ट देने का टाइम नहीं हो फिर कोई फायदा नहीं होगा मैं जैसा पढ़ाती हूं वैसे बहुत टीचर्स पढ़ाते हुए दिख जाएंगे द ओनली डिफरेंस विच आई मेक इज दिन हाँ दिस इज आई आई एडमिट वन ऑफ माई वीकनेसेस मैं फोन कर करके बच्चों को नहीं बोलती हूँ भाई तुमने टेस्ट क्यों नहीं दिया हाँ जिस दिन बच्चा सामने आ जाता है तो मैं अच्छी तरह से पेलती जरूर हूं <laughs> तो ये कस्टमरशिप यहाँ नहीं चलती है यहाँ एक स्टूडेंट मेंटर के रिलेशनशिप में डांट भी पड़ती है इसलिए डांट खाने के लिए भी तैयार रहना जब पढ़ोगे नहीं तो वो भी मिलेगी और टेस्ट तो देने ही है जिस दिन भी सामने आ जाओगे उस दिन मेरे हथे चढ़ जाओगे <laughs> सामने मतलब क्लास में ठीक है समझे एनीथिंग विच इज कंफ्यूजिंग फॉर एनी एरिया एनी स्लाइड एनीथिंग बताओ यूके सागर yes, सागर गए तो आपकी बार टैक्स में मैम कैसे होता है कि मतलब जैसे ये लोगों ने ऑनटारियो सी, को साथ मेमोरेंडम साइन करा हुआ था अभी तो नहीं हुआ रिन्यू बट फिर टैक्स कैसे होता है क्योंकि यहाँ तो टैक्स बहुत अलग है कनाडा में सी, तो आई टेल यू कि टैक्स का आपका जो वेरियंट है ना वो कंट्री स्पेसिफिक है तो जैसे ही आप फॉर्म भरने जाओगे ना एग्जाम फॉर्म तो आपसे मांगेगा कि आप कौन सा वाला वेरियंट ऑफ टैक्स ले रहे हो तो दिस इज यूके टैक्स आयरलैंड का भी है यूके का भी है कैनेडा अच्छा, का वो भी, भी है ठीक हाँ। है ठीक है हम यूके का इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इफ यू हैव टू बिकम एन एक्सटर्नल ऑडिटर इन यूके तो फिर यूके के टैक्स लॉस तुम्हें समझने बहुत जरूरी है मतलब एन ऑडिटर शुड अंडरस्टैंड यूके का टैक्स स्ट्रक्चर कैसे चलता है क्या घालमेल कर सकती है कंपनी सो स्केप्टिकल माइंड डेवलपमेंट हैपेंस थ्रू दिस पेपर इसलिए यूके का करना चाहिए बट अगर मतलब जैसे प्रैक्टिकल नॉलेज में यूज करना हो तो अगर मैं बेसिक uh, पढ़ लू यहाँ का तो इट विल बी फाइन अगर मैं टैक्स yes. के बाद यहाँ का है ना यस एंड इवन आई विल टेल यू द मोमेंट यू स्टडी एनी ऑफ द टैक्स वेरिएंट्स एनी ऑफ द पेपर्स

भी हाँ, भी हाँ 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 हा, वो जो टेबल है और मैंने वो नोट्स में लिखी भी है गिवन इन दी एग्जाम ओके ठीक है वो मिलेगी मैंने नोट्स में भी उसको स्पेसिफाई किया है कि ये एग्जाम में होती है ठीक है गॉट इट और इसके सेक्शन है कि क्वेश्चन फाइव ही होते कितने होते हैं सेम फिफ्टीन सेक्शन सी की मार्किंग कितनी होगी मैंने मिस कर दिया इनिशियल सो इट्स टेन मार्क्स फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी

नहीं 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 प्लीज 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 सिर्फ किसी बस किसी नहीं नो अगर अपने कॉन्सेप्ट को हिलाना हो तो कर देना नहीं, ना। ना है तो बेसिकली आपके नोट्स और एग्जाम के मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रोविजन

चलो चलो गाइस विल कैच अप ऑन 29th इन दैट केस कोई क्वेरी हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क दैट ओके थैंक यू मैम थैंक यू मैम थैंक यू मैम बाय टेक केयर बाय मैम बाय मैम बाय टाटा मैम